गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लिलियम के प्लांट के बारे में। ये जो आप मेरे सामने फ्लावर देख रहे हैं, कितना बड़ा फ्लावर है, देखिए, इसको लिलियम के नाम से जाना जाता है। तो इसी के बारे में, हम केयर टिप्स के बारे में बात करूंगा, तो प्लीज पूरी वीडियो देखिए। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज वो भी कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलरली ऐसे ही प्लांट अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड्स, आप लिलियम का प्लांट देख सकते हैं, इसकी बड ही देखिए कितनी बड़ी है, इसकी कली कितनी बड़ी है। तो ये फूल तो ऑब्वियसली इतना बड़ा होना ही है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल फूल है ये। और इसके ये तो सिर्फ बड़ा सिंपल सा व्हाइट कलर का फूल है, इसके बहुत सारे टेक्सचर वाले फूल भी आते हैं। ब्लू और रेड कलर का एक इसका टेक्सचर वाला फूल आता है, वो तो बहुत सुंदर लगता है। तो अगर आप लिलियम का फूल अगर प्लांट लाना चाहें तो दो तीन एक साथ लेके आए और उसको लगाएं और उसको ग्रो करें, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके गार्डन को लुक बदल देगा और काफी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। तो इसके आइए मैं सबसे पहले सॉइल के बारे में बात कर लेता हूं आपसे। सॉइल, जैसा मैं हर प्लांट के बारे में बताता हूं कि इसकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और जब आप इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करें तो आपने इसको ऐसे करना है कि इसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल, दो हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, एक हिस्सा बोन मील और एक हिस्सा सैंड आप इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करके कोई भी अपने पसंद के गमले में इसको प्लांट लाके प्लांट कर सकते हैं। मैं अगर सही बताऊं, मैं लिलियम का इतना सा ये प्लांट लेके आया था, एक पौध लेके आया था मैं 10 रुपए की। और इतना बड़ा प्लांट अगर आप नर्सरी में लेने जाएंगे, अभी तो ये जितना बड़ा हो चुका है, ये कम से कम आपको 100 रुपए का मिलेगा नर्सरी में फूल के साथ अगर आप लेना चाहें तो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लिलियम की छोटी सी आप पौध लेके आ जाइए और उसको फिर आप ग्रो करिए, क्योंकि उससे फिर आप प्लांट के बारे में काफी कुछ सीख पाएंगे। छोटी सी पौध अब देखिए कितनी बड़ी हो गई है। तो और जिस पॉटिंग मिक्स में मैंने आपको बोला है लगाने के लिए, उसी में आप बोलिए, उसमें उसी में आप लगाइए। और जब आप गमले में लगाएंगे तो ये देखिए इतना हिस्सा आप छोड़ दीजिए। ये हिस्सा मैं इसलिए छोड़ने के लिए कहता हूँ क्योंकि जब आप पानी देंगे अपने प्लांट को तो इतना तक हिस्सा भर दीजिए और वो धीरे धीरे ड्रेन होके नीचे पहुंच जाएगा। अब इसका ये करने के लिए ये हमने मेक श्योर करना है कि आपकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड है कि नहीं। अगर आपकी सॉइल में ऑर्गेनिक मैनर या कंपोस्ट कम हुआ तो आपकी जो सॉइल है वो सॉगी बहुत जल्दी हो जाएगी, और क्ले सॉइल में जो लिलियम है वो अच्छी तरीके से फ्लावरिंग नहीं करता और इसकी जो बड्स है वो ड्रॉप हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी लोकेशन के बारे में। लिलियम को 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, और अगर आप इसको दोपहर की धूप भी देना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है दोपहर की धूप में भी। तो आप इसको ऐसी लोकेशन पे रखिए जहाँ पे 5 से 6 घंटे डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर पड़ती हो, बहुत जरूरी है इसके लिए सनलाइट फ्लावर करने के लिए और ग्रो करने के लिए। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आया इसका फ्लावर, आज ही खिला है ये और मैंने डिसाइड किया कि आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ इसका अपडेट। ये देखिए मैं और पास से दिखाता हूँ आपको। अब मैं बात कर लेता हूँ वाटरिंग की। इसमें आपने पानी इतना ही देना है जिससे मॉइस्चर जो मिट्टी में है वो मेंटेन रहे। इसमें आपने दलदली नहीं करना, ओवर वाटरिंग नहीं करनी, नहीं तो ओवर वाटरिंग की वजह से क्या होगा, ये आप देख सकते हैं इसमें 3 कलियां आई थी, एक कली ये थी, एक ये थी और एक ये थी। ये देखिए ड्रॉप हो चुकी है, ये गिर चुकी है, वो इसलिए गिर गई है क्योंकि इसमें ओवर वाटरिंग हो गई थी, वो ज्यादा पानी की वजह से, ज्यादा मॉइस्चर की वजह से वो कली गिर गई थी। ये देखिए ये रही वो कली, ये पड़ी हुई है ये। तो आपने इसमें इतना ही पानी देना है जितना इस पौधे को जरूरत है, हर जरूरत से ज्यादा पानी इसको मत देना। इसमें आपने ये चेक करना है कि ऊपर की मिट्टी अगर सूख रही है तो दो वाटरिंग्स के बीच में आपने ये ट्राई करना है कि जो मिट्टी है वो थोड़ी सी सूखने लग जाए और उसके बाद ही आप अपने प्लांट को पानी दें। ना आपने अंडर वाटरिंग करनी है ना आपने ओवर वाटरिंग करनी है। अगर अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग दोनों ही होती है तो आपके सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो हेल्थ पे, पौधे की ओवरऑल हेल्थ पे होता है, और ना ही वो अच्छे तरीके से फिर बड्स बना पाएगा और ना ही वो फ्लावर कर पाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स फर्टिलाइजर के बारे में। जब मैंने इसका पॉटिंग मिक्स बनाने के बारे में आपको बताया था तो इसमें मैंने बोला था कि आप बोन मील मिक्स कर लीजिए। बोन मील मिक्स करने के लिए मैंने इसलिए बोला था क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक सोर्स है फॉस्फोरस का, और किसी भी फ्लावर करने के लिए फॉस्फोरस की बहुत जरूरत होती है, बहुत ताकत लगती है उसको फ्लावर करने के लिए। तो बोन मील जो है वो एक ऑर्गेनिक सोर्स है फॉस्फोरस का। तो जब आप पॉटिंग मिक्स बनाते हैं वो उसको मिक्स कर देंगे तो धीरे धीरे फॉस्फोरस रिलीज करता रहेगा सॉइल में और आपका जो प्लांट है वो फॉस्फोरस धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता रहेगा। ये तो शॉर्ट एक्टिंग फर्टिलाइजर की तरह होता है वर्मी कंपोस्ट और बोन मील। अगर आप इसमें जल्दी फ्लावरिंग चाहते हैं तो आप एक लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जैसे इसमें सलाह दूंगा क्योंकि एक ये फ्लावरिंग प्लांट है तो आप इसमें एनपीके डाल सकते हैं। एनपीके कैसे डालना है, आपने 1 चम्मच 1 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करके वो आप 100 ml या 150 ml जो पानी है अपने यहाँ पे गमले के पास यहाँ पे अपने प्लांट में डाल दीजिए और हर 15-20 दिन में डाल दीजिए इसी सेम रेशियो में जिस रेशियो में मैं आपसे बता रहा हूँ।
अगर आप एनपीके नहीं डालना चाहते, ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर डालना चाहते हैं, तो आप सीवीड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। सीवीड फर्टिलाइजर बहुत अच्छा है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। उसमें 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स को चाहिए होते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पेस्टिसाइड की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो वही जैसे मैं हर प्लांट में बोलता हूँ, नीम ऑयल का कॉन्सेंट्रेट आप यूज़ कर सकते हैं। 1 ml 1 लीटर पानी में अच्छे से डाइल्यूट करके उसको अपने प्लांट पे स्प्रे भी कर सकते हैं और उसमें नीचे सॉइल में दे भी सकते हैं। उससे क्या होगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप इसको सुबह स्प्रे करें, आप इसको शाम में स्प्रे मत करें, क्योंकि शाम में अगर स्प्रे करेंगे तो आपके प्लांट में फंगस लगने की जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप पेस्टिसाइड भी दें या नॉर्मल स्प्रे भी करें कभी भी अपने किसी भी प्लांट में, तो वो सुबह के टाइम करिए, क्योंकि दोपहर के टाइम पे मैं सलाह नहीं दूंगा स्प्रे करने की, क्योंकि दोपहर के टाइम पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और अगर लीव्स पे पानी पड़ा रहेगा तो वो लीव्स का पानी गर्म हो जाएगा और वो गर्मी की वजह से लीव्स झुलसना शुरू हो जाएंगी। तो बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग इनको वाटरिंग करने का और इन पे पानी स्प्रे करने का, चाहे वो पेस्टिसाइड्स ही क्यों ना हो। तो ये कुछ बेसिक केयर टिप्स है फ्रेंड्स लिलियम के प्लांट के बारे में, और जेनरिक जो लिली के पौधे होते हैं उनको कैसे ग्रो किया जा सकता है। केयर टिप्स आप अपने प्लांट पे भी फॉलो करिए और मुझे बताइए कि क्या रिजल्ट रहा। अगर आप ऑलरेडी लिली का पौधा उगा रहे हैं तो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप किस तरीके से अपने पौधों का ध्यान रख पा रहे हैं। अगर इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।